सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत हरफरी से खैरा एमपीआरडीसी विभाग की पीक्यूसी रोड का निर्माण उदित इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड रीवा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि सही तरीके से मटेरियल डालकर रोड निर्माण नहीं किया जा रहा है। सूखा सीमेंट मसाला रोड में डालकर रोड बनाई जा रही है। पानी कम होने की वजह से रोड में अच्छी पकड़ नहीं होगी, जिसकी वजह से रोड जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाएगी एवं रोड में पानी का छिड़काव भी सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। उदित इंफ्रा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सोमपाल सिंह परिहार से रोड में सही तरीके से मटेरियल नहीं डाले जाने को लेकर बात की तो उनका कहना था कि हम अपने तरीके से ही काम करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, काम करने का तरीका हमारा अलग है। सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील के अंतर्गत कोरसर गांव में आए हुए हैं। कोरसर गांव में हरफरी से खैरा एमपीआरडीसी रोड का निर्माण उदित इंफ्रा कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि ये रोड का निर्माण काफी घटिया तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले जो रोड का निर्माण हुआ है उसमें जो सरिया लगी हुई है पूरी तरह से सरिया मुड़ी हुई है। इसी पर जो यहाँ जो ये बेस बना हुआ है वो कल बेस बनाया गया है और आज इसी पर मसाला डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इस पर लोगों का आरोप है कि वो पकड़ नहीं बनाएगा और सरिया भी मुड़ी होने की वजह से दोनों रोडों में जो ज्वाइंट होना चाहिए वो नहीं होगा। और वाकई में जो रोड का निर्माण यहाँ हो रहा है वो अभी से क्रैक होना शुरू हो गया है। हमारे साथ जो है इस गाँव के ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं कि इस रोड को लेकर इनका क्या कहना होता है। इस रोड में इतना घटिया मटेरियल डाल रहे हैं, सीधे मिट्टी डाल के बनाए दे रहे हैं उदित इंफ्रा द्वारा। बहुत घटिया काम हो रहा है, न पन्नी रोड में बिछ रही है, न कुछ बिछ रहा है, न सरिया सुझा रहे हैं, कुछ कर रहे नहीं रहे हैं। और बोलने यहाँ जो मसाला डाला जा रहा है उस मसाले के बारे में, मसाला तो बहुत घटिया मसाला डाल रहे हैं, उसमें सूखा डीएलसी डाल के पिकोसी बना रहे हैं। हमने तीन बजे भोर में रोका था, फिर आके गाँव वाले बोले हो गया बनाने दो, या तुषार मिश्रा बोले सब बनाने दो, हमारा माल हरा हो जाएगा। पांच गाड़ी खड़ा है, हम कहना बिना ही खड़ा होगा इसके बाद होगा, कहीं नहीं नहीं करने दो, फिर हम उसको देख ले, हम बोलते हैं कि ले लेना एक दो गाड़ी माल ले लेना, हम काम करने दो। आप देख सकते हैं इनके द्वारा क्या आरोप, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इनके हाथ में डंडा भी आप देख सकते हैं, इनका डंडा देखिए, इनके जो है ये कहीं ना कहीं इस रोड का काम से नाखुश होकर रोड का काम बंद कराने आए थे, क्योंकि इस रोड का वो बहुत घटिया तरीके से किया जा रहा है। इस गाँव के ग्रामीण है, इनका कहना है कि 3 बजे से हम आके यहाँ खड़े हैं और इसी तरह से जो है घटिया तरीके से यहाँ रोड का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ और ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना होता है। हरफरी से खैरा हमारे एमपीआरडीसी का जो काम चल रहा है, इसमें जो भी काम चल रहा है इतना घटिया काम है, इसमें जो मटेरियल पड़ रहा है, इसमें जो लेबर काम कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जिससे कहना उससे कह दो और बनेगा इसी प्रकार से, इतना घटिया चल रहा है। इसमें डीएलसी जो हो रही है सीधे मिट्टी पर डीएलसी हो रही है और बालू जो इसमें पड़ा हुआ है, बालू आधा मिट्टी आधा बालू, खदान का बालू है वो, और बीच में जो राड इसमें डाले जाते हैं सपोर्ट राड, वो राड बिल्कुल नहीं सीधा किए जा रहे हैं। और जो पीसी से माल इधर उधर किया जाता है, नीचे जो पन्नी डाल दी जाती है, पन्नी बताते हैं फट जाएगी, तरीका है पीसी का है इनका आगे पीछे करने का, उसी की वजह से भी बताते हैं कि राड भी हमारा नहीं सीधा हो पाता, टोबाल नहीं डाल रहे जहाँ बीच में जो ज्वाइंट छोड़ा थे। देखिए आप देख सकते थे, इनका भी काफी आरोप कंपनी पर लगाया जा रहा है, ये रोड के निर्माण को लेकर इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफी घटिया मटेरियल डाला जा रहा है, बालू भी जो है बहुत लोकल बालू डाला जा रहा है जिसमें आधा मिट्टी और आधा बालू की मात्रा है। इसका बेस जैसा कि उन्होंने बताया था कि इसका बेस जो है वो कल बनाया गया था और उसी पर आज रोड का निर्माण हो रहा है। सरिया के बारे में आप देख सकते हैं, ये सरिया मुड़ी हुई है, इसको सीधा तक नहीं किया जा रहा है, इस पर माल डाल दिया जा रहा है। हमारे साथ और ग्रामीण बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये इस रोड को लेकर इनका क्या कहना होता है। ये हमारा कहना है कि रोड जो बना रहे हैं कल डीएलसी की है और इस पर नीचे 20-40 गिट्टी डालनी होती है, इसके बाद भपसी डालनी होती है, इसके बाद दो तीन दिन सूखता है, इसके बाद रोड बनाई जाती है, जो कि ये सब नहीं किया गया है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि मिट्टी पर रोड बनाई जा रही है, जो कि पूरा धंस जाने की संभावना है। देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गलत तरीके से रोड का निर्माण किया जा रहा है, सवाल उठा मसाला काफी घटिया तरीके से जो है किया जा रहा है। यहाँ कोरसर ग्राम पंचायत में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पुल के पास कल हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर
परिहार जी से मुलाकात हुई थी और उस पुल के संबंध में हम उससे पूछे कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी के बीच में आप मसाला डाल रहे हैं तो मसाला धुल जाएगा, कहीं ना कहीं पकड़ नहीं बनाएगा। तो परिहार साहब का कहना था जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कि मेरा जो तरीका है उसी तरीके से हम काम करेंगे और इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, उनका तरीका कुछ और है, वो चाहे यहाँ नष्ट कर दे चाहे जो भी कर दे। खैरा हरफरी से खैरा जो रोड का निर्माण हो चुका है वो अभी से क्रैक होना शुरू हो गया है और आप यहाँ कोई वरिष्ठ अधिकारी इस रोड पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। ये सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील में है, हरफरी से खैरा MPRDC के तहत उदित इंफ्रा कंपनी द्वारा इस रोड का निर्माण कराया जा रहा है जो बहुत घटिया तरीके से कराया जा रहा है। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, 24 न्यूज़।